Today we study about the engineering mathematics part 1, linear algebra. Engineering mathematics का part 1 है linear algebra और उसके अंदर हम पढ़ेंगे matrices. पहले बात आती है matrices में हमें कुछ important topics जानने होंगे, matrices के बारे में जानना होगा, तब हम आगे आगे applications पे चलते जाएंगे. Matrices हमें start करना है. First of all हम देखते हैं पहला point, what is unit matrix? यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? पहले अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करूं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनली कोई मैट्रिक्स है, इफ यू एज्यूम मैट्रिक्स ए को यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज 3x3 यूनिट मैट्रिक्स. द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज यूनिट एंड अदर देन द डायगोनल एलिमेंट इज जीरो ऑफ दिस मैट्रिक्स. दिस इज यूनिट डायगोनल एलिमेंट ऑफ diagonal element of this matrix diagonal is unit of this matrix. This is our unit matrix. सेकेंड इज द नल मैट्रिक्स. व्हाट इज नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम. नल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसके सारे एलिमेंट्स, सपोज कर लो 3x3 की अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है? जीरो. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स. थर्ड वन इज सिमेट्री मैट्रिक्स. सिमेट्री मैट्रिक्स, इफ यू एज्यूम एनी मैट्रिक्स ए, द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33. ये कोई हमारी मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसके सारे एलिमेंट्स 9 के 9 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है. अगर मैं कहूं कि a12 इज इक्वल टू a21, अगर इनमें एलिमेंट a12 a21 के इक्वल होता है, या a13 इज इक्वल टू a31, ये एलिमेंट भी अगर हमारे इक्वल होते हैं, तो इसे हम कहेंगे, मींस कि इसको मैं क्या कह सकता हूं, aij इज इक्वल टू aji. ऐसा ही हो रहा है, ट्रेंड बन रहा है. मींस कि जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट aij इज इक्वल टू aji अगर होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स. सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं, इट इज कॉल्ड द सिमेट्री मैट्रिक्स. उसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पे. स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हमारा फोर्थ पोर्शन होता है. फोर्थ पोर्शन इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमारी अगर कोई भी मैट्रिक्स, हम एज्यूम कर लेते हैं दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए को ही एज्यूम कर लेते हैं, और इसके एलिमेंट्स हो गए a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. अगर इस मैट्रिक्स में इफ द एलिमेंट a12 इज इक्वल टू a12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a21 और a13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a31, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji. दिस इज कॉल्ड, अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं हमारे किसी मैट्रिक्स में जिसमें कि एलिमेंट aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji अगर होता है, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखेंगे अब सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स,
अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालू और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं सपोज करूं कोई ए मैट्रिक्स है हमारी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूं और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दिस इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज सम इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, गिव्स द सम वैल्यू, मींस कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Now we will move on the next point, 6.7, upper triangular matrix. Upper triangular matrix क्या होगी? Upper triangular matrix होगी हमारी जिसमें जिस matrix में diagonal element के नीचे के जितने element होंगे, आप suppose करो कोई matrix है A, this is a A matrix, okay, और मान लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स आप सपोज कर लो 1, 2, 3, 0, 5, 8, 0, 0, 6। इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हम करते हैं, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। The all the elements below the diagonal of the matrix will be zero is called UTM, UTM, upper triangular matrix. This all elements of the given matrix is equal to zero. This is called the upper triangular matrix. अगर मैं कहूं next point हमारा क्या है, lower triangular matrix, lower ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी जीरो, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर सपोज करें ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3, ओके, सेम मैट्रिक्स लेते हैं 1, 0, 0, 2, 5, 2, 5, 0, ओके, 8, 6, 0, 8, 6, 2, सपोज सही होगा ना, 3x3 मैट्रिक्स है हमारी। अब इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स विल बी जीरो is called the upper triangular, lower triangular matrix, okay?